बारबर जिले के बामराला ग्राम पंचायत में भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर व कैशियर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये बैंक 30 गांव से जुड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि यहां प्रभावशाली लोगों का काम तो होता है और गरीब लोगों के आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए 4 दिन तक लगातार चक्कर काटने पड़ते हैं। लोगों द्वारा बैंक की शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कैशियर ने ये बिल्कुल गरीब लोगों की पेमेंट नहीं करवा आया नहीं अभी तक टाइम कितना अभी कितना बढ़ जाएगा। अभी 11 बजने वाले अभी तक कैशियर नजर नहीं दिखता नहीं अभी तक। किसी को सब लोग ये देखो परेशान हो रहे हैं। कैशियर आता है 4 बजे कैशियर चला जाता है। सब लोग परेशान हैं कैशियर के लिए। बामरला पंचायत में ये है बामरला में है कैशियर की बहुत गड़बड़ी चल रही है। भ्रष्टाचार बिल्कुल ज्यादा चल रहा है भाई। बस फोन करो 10 मिनट परेशान चल रहे हैं। गरीब लोग देख लो कितना लेन में खड़ा है। रह चुके हैं बिल्कुल। 50 आदमी सुबह से आज परेशान है मेरे पास आए हैं। अभी मैं खड़ा ये आदमी सब लोग गरीब है ये खड़े हैं अभी तक किसी का काम नहीं हो रहा है। कैशियर तो बिल्कुल सामने देखता नहीं है कि ये हट जाओ। गरीब लोगों को यही जवाब दे रहा है। पर बैंक कम से कम 10:30 बजे खुल रही है रोज खुल रही है आज ही खुल नहीं नहीं बिल्कुल 11 बजे बाद में खुलती है। तो 11 बजे के बाद में वो आता है तो वो किसी गरीब को जवाब नहीं देता है और काम भी नहीं होता है बिल्कुल गलत। ठीक है सर। पीलीभीत चर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर ने बताया कि बिलसंडा क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर बबुरा में 21 अगस्त को सोनपाल उर्फ सोनू को गोली मारकर घायल कर दिया गया था, लेकिन घायल सोनू की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से मुकदमे में 302 की बढ़ोतरी की गई है और अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्वाट व सर्विलांस टीम को लगाया गया और आज मुजलिमों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। 21/8/2019 को सोनू नामक लड़की की बिलसंडा थाना क्षेत्र में रात्रि में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। पुलिस की टीम इंस्पेक्टर प्रभारी बिलसंडा द्वारा स्वाट सर्विलांस की टीम क्षेत्राधिकारी मिश्रपुर के नेतृत्व में SSP के नेतृत्व में टीम को लगाया गया था। टीम ने जो गौ तस्कर थे 5 गौ तस्कर जिसमें रवि इश्तियाक फरीद और मोहम्मद हसीफ तथा मेहदी हसन इन लोगों को गिरफ्तार किया गया मुठभेड़ के द्वारा। इनके पास से तमंचा और कारतूस की बरामद की गई और जिस पिकअप गाड़ी से ये लोग गौ तस्करी कर रहे थे उसको बरामद किया गया। घटनाक्रम में इन लोगों द्वारा उस दिन भी जिस दिन सोनू की हत्या कर दी गई थी पशु तस्करी के लिए आए थे। मृतक द्वारा आत्मघाती करने पे इन लोगों ने सीधा मृतक को फायर कर दिया जिसकी उसकी इलाज के दौरान बरेली में मौत हो गई थी। आज इसका अनावरण किया गया। इसके अन्य 5 साथी भी हैं जो कि भागने में सफल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र करके पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। और पकड़े गए आरोपी सर ये इनके क्या अपराधी इतिहास और जो पकड़े गए आरोपी हैं अत्यंत 7 के अपराधी हैं। इनका तालगांव और निगोही थाना क्षेत्र में तथा बिलसंडा थाना क्षेत्र में काफ़ी आपराधिक इतिहास है। उनके सारे आपराधिक इतिहास को निकलवा लिया गया है उस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। उनके जो जमानतदार हैं उनको भी मुरादाबाद बिलारी में प्राइवेट बस के पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए और एक की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस चालक रास्ते में ही उतर गया था जिस कारण बस का कंडक्टर गाड़ी चला रहा था। तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर बस पेड़ से जा टकराई। सूचना पर बिलारी कोतवाली पुलिस ने घायलों को CSC बिलारी में भर्ती कराया। मुरादाबाद जा रहे थे काम पे। बस कहाँ पलटी है? बस ये पलटी है सर यहाँ पे तुम्हारे की धर्मपुर से अगला पलटी है। अच्छा उसमें कितने लोग घायल हुए होंगे? लगभग लगभग सर उसमें कम से कम मान के चलो 30-40 लोग घायल हुए। कहाँ जा रहे थे? बिलारी के लिए जा रहे थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन। यामीन जी अभी एक हादसा हुआ है जिसमें एक युवक की मौत हुई, कौन थे वो आपके? मेरा दोस्त थे। क्या हुआ इनके साथ, क्या पता चला आपको? ये दुकान से आ रहे थे अपनी दुकान से आते हुए बस से आ रहे थे, बस पलट गई इसमें। इसमें इनकी मौत हो गई है जी। और साथ वाले और कोई लोग घायल हुए? हाँ एक बंदा और था वो भी खत्म हो गया। अच्छा। और बंदों को चोटें लगी और लोगों को चोट लगी, दो लोग खत्म हो गए जी। ठीक।
देखिए वहाँ से जो है हमारे पास दो पेशेंट आए हैं, बहुत ही गंभीर हालत में आए थे, जिसमें एक मृत अवस्था में था और जो दूसरा था वो भी जो है बहुत ज़्यादा उसको हेड इंजरी थी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, बचने की हालत नहीं थी, उसको तुरंत रेफ़र कर दिया गया है हायर सेंटर के लिए। जो मृत अवस्था में था उसकी बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दी गई है और हमने पुलिस को सूचना दे दी गई है। बरेली के महेशपुर प्राथमिक विद्यालय में कमिश्नर ने आज अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अभी ही विद्यालय में 10 पौधे लगाए गए थे, उसमें एक भी जीवित नहीं है, इसकी देखरेख नहीं की गई, जिसकी फटकार हेड टीचर को लगाई गई। इस दौरान उन्होंने पढ़ाई के बारे में भी बच्चों से जानकारी ली, जिसमें 30 बच्चों में से केवल एक ही बच्चे ने 4 का पहाड़ा बताया। कमिश्नर ने टीचर के शिक्षण पर सवाल उठाते हुए उसे फटकार लगाई और गाँव की योजनाओं के बारे में बताया। इसमें SDM, तहसीलदार, ग्राम प्रधान आदि लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है उसके कवरेज बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर मेरा एक अध्ययन टूर था और हम लोगों ने चर्चा की प्रधान थे गांव के लोग लेखपाल थे, राजेश कुमार ने अधिकारी थे, SDM थे, ADM साहब थे, कैसे इसको कवरेज बढ़ाया जाए। उसी दौरान स्कूल का निरीक्षण किया, स्कूल में रेडी लर्निंग का कार्यक्रम चला हमारा, उसके बारे में चेक किया गया, कुछ बच्चे बहुत ही मेधावी हैं, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिन्हें अंक और अक्षर का ज्ञान नहीं है उन बच्चों को पहले अंक और अक्षर का ज्ञान दें, उसके बाद आगे की पढ़ाई करें। इस पर थैंक यू। सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुमका दोराहे के पास गुटखा से भरा ट्रक जा रहा था, सामने से आ रहे छोटे हाथी को बचाने के चक्कर में ये ट्रक पलट गया, जिससे पीछे आ रहे टेम्पो भी उसकी चपेट में आ गया। बताया जाता है कि तीनों वाहनों की टक्कर में करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंच गए और उन्होंने क्रेन की मदद से ट्रक के नीचे दबे घायलों को बाहर निकाल कर जिला अस्पताल भेज दिया। और किस तरह के रेस्क्यू का काम चल रहा है यहाँ पर? एक ट्रक टेम्पो और मैजिक के बीच में भिड़ंत हुआ है और ट्रक टेम्पो के ऊपर पलट गया है और इसमें जो टेम्पो में जितने जो 10-15 लोग होने की अभी बात कहे जा रहे हैं, सब लोगों को यहाँ से निकलवा के हॉस्पिटल भेजा गया है और इसमें हॉस्पिटल में मैं खुद भी जाके पहुँच के देख रहा हूँ, इलाज का चल रहा है, डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू कर दिया है और मौके पे रेस्क्यू का कार्य भी चल रहा है और इसमें कैजुअलिटी कितना हुआ है अभी वहाँ देख के आपको सर एक बात है, क्षमता से अधिक वाहन सवारियाँ भरी जा रही थी, कंप्लेन चलेगा, अभियान चलेगा इसके खिलाफ? हाँ, चल भी रहा है और इसमें कार्रवाई। ठीक है।